शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे भगवान, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अजी सुनते हो, आप ये मेरी पथरी का ऑपरेशन कब करवाएंगे? आपने कहा था ना कि कौशल की शादी के बाद आप मेरे पथरी का ऑपरेशन करवा देंगे। अरे अब तो शादी को भी 3 साल हो गए, कब करवाएंगे? हाँ, अरे भगवान, अभी दहेज का पूरा पैसा मिला कहाँ है? 2 लाख रुपए अभी भी बाकी है। नेहा का बाप 2 लाख दे देगा तो तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। तब तक थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो ना। अरे कैसे आदमी हो आप, कुछ तो शर्म करो, इतनी कंजूसी। अरे ये दर्द के मारे कहीं मर गई तो फिर चाटते रहना पैसों को। बाबूजी, हमें तो लगा दूध लेकर सुबह ही आओगी। माँ जी, वो काम थोड़ा ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है ठीक है, अलमारी से दवाई दो। अरे नेहा बेटा, ये दूध कितना आता है घर में? जी 2 लीटर। कल से 1 ही लीटर मंगवाना। क्यों? अरे ग्लास इतना बड़ा है, पूरा दूध पिया नहीं जाता है। बेटा कल से सबको आधा आधा गिलास दूध देना, ठीक है? अरे अब खाने पीने में भी कंजूसी करोगे? सच में नेहा बेटा, वो तुमने अपने पापा से बात की, वो बाकी के पैसे कब देंगे? जी बाबूजी, वो दे देंगे। पापा ने कहा है कि वो इंतजाम कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा वो दे देंगे। अच्छा अच्छा, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, कब देंगे? हाँ मैं तो कह रही हूँ आपको, अजीत भाई साहब की नीयत में मुझे खोट लग रही है, वो पैसे नहीं देने वाले। अरे नहीं नहीं, अजीत भाई साहब ऐसे आदमी नहीं है, वो पैसे दे देंगे। क्यों नहीं है बेटा, दे देंगे ना? जी बाबूजी। हमें तो लगता है कि हमारे मरने के बाद ही पैसे देंगे। हाँ, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अगर पैसे आ जाते तो हमारा ऑपरेशन हो जाता और हमें इस दर्द से निजात मिल जाती। अरे वो प्रयाग वाले राजेंद्र भाई साहब के यहाँ रिश्ता किया होता तो हमें दहेज भी अच्छा मिलता और बहू भी सुंदर मिलती। लेकिन हमारी मती मारी गई थी जो इससे ब्याह कर ले आया। देख रहे तेवर, पता नहीं क्या हो गया, किस्मत टूटी। पता नहीं कब तक यूं ताने सुनने को मिलेंगे। अरे क्या हो गया, इतना पारा क्यों चढ़ा है तुम्हारा? वही रोज का, पैसे अब तक नहीं मिले, कब मिलेंगे पैसे? ताने सुन सुन कर ना हमारा जीना हराम हो गया। कभी कभी तो लगता है ना हम जहर खा के मर जाए, तभी तुम्हारी माँ जी और बाबू जी को चैन मिलेगा। ओहो, फिर से वही रोना धोना। अपने पापा को बोल करके ये किस्सा खत्म क्यों नहीं करवा देती? सिर्फ 2 लाख की तो बात है। पापा तो इंतजाम कर रहे हैं ना, पर तुम्हारे घर वालों को सबर ही का है। नेहा, तुम्हें तो पता है बाबूजी का कैसे एक एक पैसे के लिए दम निकलता है उनका। एक बार बस उनको पैसे मिल गए ना तो सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। नेहा देखो, मूड मत खराब करो, ना अपना और ना ही मेरा। चलो मुस्कुराओ। अरे बाबा, माँ और बाबूजी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो फिर मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, नहीं तो 2 लाख रुपए मैं भी मांग लूंगा फिर। 2 लाख?
अच्छा माँ चलता हूँ। रुक प्रशांत दिन। और हाँ बाबूजी, लौटते समय आपके शुगर की दवा ले आएंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारा शुगर बिल्कुल ठीक है। अरे अच्छा बेटा सुन, अब तो तेरी शादी को भी 3 साल हो गए, खुशखबरी कब दे रहा है? देख अब तो ये घर आंगन भी सुना सुना लगने लगा है। बेटा अब तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, पड़ोसी तक पूछने लगे हैं कि दादी बनने की मिठाई कब खिलाना। माँ ये क्या सुबह सुबह फालतू की बात लेके बैठ जाती है। अरे कौशल बेटा तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगते हैं, समझ रहा है ना तू? अब तू बच्चा प्लान कर ही ले। अब मेरी बेटे को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ताली एक हाथ से नहीं बसती है, दोनों हाथ से बसती है, पता है ना आपको? फिर मुझे तो लगता है कमी नेहा में ही है, तभी तो पैर भारी नहीं हो उसके आज तक। अब आप दोनों सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए फिर से, हमें हो रहा है ऑफिस के लिए लेट, हम जा रहे हैं, शाम को बात करते हैं। अरे पर दूध का कितना हुआ? 3,500। 3,500 दूध का? हाँ तो 500 ही ज्यादा हुए, मेहमान आते हैं ना बीच बीच में तो ज्यादा हो गए ना। कैसी हो? अरे सरला जी आइए आइए बैठिए। नमस्ते भाई। नमस्ते। सरला जी कैसी है आप, कैसे आना हुआ? अरे बहुत ही खुशी की बात है, घर में नाती हुआ है, उसी के लिए सब जगह मिठाई बांट रहे हैं, ये आपके लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सरला जी आपके बेटे की शादी को तो अभी 1 ही साल हुआ है ना, और इतनी जल्दी? आजकल के बच्चों को तो जानती है ना, हर काम में फास्ट, चाहे वो शादी हो चाहे बच्चा। अब शादी अगर हो जाती है तो बच्चा जल्दी हो जाना चाहिए ना। सही कह रही है आप। एक मिनट है नेहा। नेहा जी। माँ जी। सरला जी के लिए चाय लेके आओ। नमस्ते जी। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, बस पानी पी लेंगे जी। ममता भाभी, कौशल को तो 3 साल से ऊपर हो गए ना उसकी शादी के, लेकिन बहू की तो कहीं से उम्मीद लग नहीं रही है, सब ठीक ठाक है ना? अब क्या बताऊं सरला जी, हमारे तो भाग ही फूट गए। जिस पंडित के कहने पर हमने यहाँ रिश्ता किया और शादी कराई, अब देखो ना ही दहेज पूरा मिला और ना ही, अरे 3 साल से ज्यादा हो गया है फिर भी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। और हमें तो लगता है ना कि दूसरे के बच्चों को देखकर ही हमारे दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी। अरे ममता भाभी ऐसे क्यों बातें करती हो सकता है कौशल को अभी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए होगा। अरे कैसी बातें कर रही है सरला जी, अरे मेरे कौशल को तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे तो लगता है कमी स्नेहा में ही है, तभी तो ये कल मुही माँ नहीं बन पा रही है। बस करो माँ जी, चुप होकर सुनती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। बहू ये क्या तरीका बात करने का? आप तो चुप ही रहिए, जब देखो तब आप दोनों मिलकर मुझे ताने मारते रहते हो। अरे क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का, बताइए क्या कमी रखी है मेरे पापा ने शादी में? गहने दिए, जेवर दिए, 10 लाख रुपए दिए नगद, सिर्फ 2 लाख रुपए रह गए, वो भी आज नहीं तो कल वो दे ही देंगे, इंतजाम कर रहे हैं, पर आप दोनों को तसल्ली कहा? आप दोनों ना एक काम कीजिए, मुझे जहर लाके दे दीजिए, मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी ना, तब आप दोनों को सुकून मिलेगा, फिर करवा लेना अपने बेटे की दूसरी शादी, उसी से बहुत सारा दहेज भी मिलेगा और अपने पसंद की बहू भी मिलेगी, उसी से करवा लेना बच्चे। अच्छा ममता भाभी मैं चलती हूँ, ठीक है? माँ रो क्यों रही हो, और ये सामान यहाँ क्यों रखा हो? बेटा हम लोग गांव जा रहे हैं और अब हम लोग वहीं रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरे माँ आप चुप भी करोगे, हुआ क्या बताओ तो। छोड़ मुझे,
हाँ, तेरी बेबी ने वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया है नेहा ने? आज उसने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसे मैंने चार बातें क्या सुना थी, उसे तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। बहुत बेइज्जती की हमारी उसने, बहुत बेइज्जती की। नहीं भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल को अगर हमारी बहू ने हम पर हाथ उठाया तो इस बुढ़ापे में हम बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम जाएंगे। कोई कहने जा रहा है, बैठिए आप लोग, मैं बात करता हूँ नेहा से। नेहा, 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 तेरी इतनी हिम्मत है, तूने माँ से बदतमीजी की? और जो तुम्हारी माँ ने बोला वो तो सुना नहीं होगा तुमने। बहुत दबान चल रही है तेरी। तू एक काम कर, अपना सामान बांध और सुबह होते निकल यहाँ से। नेहा ने जो कल किया ना, अच्छा नहीं किया। कंट्रोल में रख उसे, वरना सर पे नाचेगी तेरे वो। अरे बाबूजी, मैं बात करता हूँ, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं इतना? नेहा, नेहा बेटे, कहाँ है, कहाँ है नेहा? पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चल। हाँ हाँ, ले चलूंगा बेटा, पहले तू रोना बंद कर। भाई साहब, ये सही नहीं हुआ। कौशल को हाथ नहीं उठाना चाहिए यहाँ पर। और इसने जो मेरी माँ बाबूजी के साथ बदतमीजी की, उसका क्या है? मानता हूँ नेहा से गलती हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे। मैं वहां तुम लोगों के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा था कि दहेज के पैसे रकम चुका कर सकूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना ही होगा। अरे नहीं 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 भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौशल, यही संस्कार दिया मैंने तुझे, नालायक, तूने ना मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अरे भरोसों का ऐसा बात करता है क्या नालायक? अरे कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहू पर हाथ उठाने के लिए किसने कहा था तुझे? अरे लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन ऐसे कोई अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है क्या? चल चल बहू से माफी, माफी मांग बहू से। बहू जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांग, सॉरी। सॉरी भाई साहब, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से, गलती हो गई मुझसे। बेटा तुम ही अंदर चलो, मैं भाई साहब से कुछ बात करके आता हूँ। जाओ पापा। तुम जाओ बेटा, मेरे कहने जाओ। अजीत भाई साहब, आप कुछ पैसों की बात कर रहे थे, दहेज का इंतजाम हो गया क्या? पैसे का तो इंतजाम हो गया, ये अभी 1,00,000 रुपए हुए, बचे हुए 1,00,000 अगले महीने दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, दूसरी बार ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे भाई साहब, हैं? अरे नादानी में कौशल से गलती हो गई, अब गर्म खून है, गुस्सा आ गया होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे आप कुछ नहीं होगा, हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नेहा हमारी बेटी जैसी है। भाई साहब, नेहा को जरा समझा दीजिए। पापा, अब हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज हमें ले चलो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब लोग घर छोड़कर चले जाते। वैसे कौशल ने तुमसे माफी मांग ली, फिर किस बात का गुस्सा बेटा? पापा, आप समझते क्यों नहीं, माँ जी वो तो ताने मार मार कर मुझे सच में एक दिन मार देगी। बेटा, ऐसी कौन सी सास है जो ताने नहीं मारती?
मैंने भाई साहब से बात कर ली, उन्होंने गारंटी दी है कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ लगता है ऐसा तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पर पापा, देखो बेटा, लड़ झगड़ के यूं घर से नहीं निकलते। यहाँ भी बातें करेंगे लोग और वहाँ भी। इसमें बदनामी तुम्हारी भी है, हमारी भी। बेवजह बदनामी होगी बेटा। देखो बेटा, तू रोना बंद कर, अपना ध्यान रख। मैं हूँ ना, फिक्र मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। खुश रहे बेटा, चलता हूँ। कौशल, हमारी बात सुनो। रात बहुत हो गई, सो जाओ। सुनिए, 100 रुपए दीजिए, मंदिर में चढ़ा चढ़ाने। 100 रुपए? अरे 11 रुपए चढ़ा देना, भगवान कौन से नाराज हो जाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, भगवान के नाम पे भी कंजूसी करोगे? चलो लाओ 200 रुपए। अरे कौशल बेटा। जी बाबूजी। ओ, राहुल से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई ना, कल ही बात हो गई थी, आज आने वाला है वो। अच्छा तो शाम तक आ जाएगा ना? जी जी ठीक है बाबूजी, हम निकलते हैं। अरे ताऊ जी, ताऊ जी। अरे राहुल। अरे राहुल बेटा। अरे खुश रहा बेटा। और कैसे हैं आप? हाँ ठीक। नमस्ते ताई जी। अरे खुश रहे बेटा, कैसा है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। नेहा, नेहा जल्दी आ बेटा। अरे देख तो कौन आया। अरे जल्दी आ बहू। नेहा, ये राहुल है तुम्हारा देवर। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था ना, इसलिए अभी आया है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। भाभी जी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। है ना, तभी तो ब्याह करके लाए हैं। बहू। जी माँ जी। राहुल के लिए भी चाय और पानी लिया? जी। अच्छा राम। अजय हाँ, बैठ बैठ। और बस बढ़िया। ये साड़ी माँ ने आपके लिए भेजी। दीजिए। कैसी लगी साड़ी? अच्छी है, थैंक यू। और ये गुलाब हम आपके लिए लेके आए, अपनी प्यारी भाभी के लिए। लीजिए लीजिए। अरे राहुल आ गया। अरे नमस्ते भैया। खुश रहो, खुश रहो। साजी आए भैया। और क्या चल रहा है राहुल? बस भैया शहर आ गए। अच्छा बैठो, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो शहर में पहली बार आ रहे हो ना? हाँ जी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हो? हाँ जी। भाभी जी, आप तो बहुत खूबसूरत हो, अपनी प्यारी भाभी के लिए। अरे तो टेंशन मत ले, नौकरी लग जाएगी तेरी।
और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। डॉक्यूमेंट तो सारे लेकर के आया है ना? सारे डॉक्यूमेंट लेके आया। बस तो एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करो। जी पानी। उसके बाद मैं सब देख लूंगा, तुम टेंशन मत ले। अच्छा कुछ खाने के लिए लेके आओ। आप कुछ खाएंगे? नहीं, जाओ यहाँ। अरे कुछ खा लीजिए ना। बोला ना नहीं चाहिए। जाके सिर्फ मेरा नाम बताना और इंटरव्यू अच्छे से देना, उसके बाद सर मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, नौकरी तेरी लगा के ही रहूंगा इस बार। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। हाँ जी बहू। सुना जी माँ जी, तुमने राहुल को दूध दिया? जी नहीं, उसे दूध पी के सोने की आदत है, दे आना। राहुल ये दूध तुम्हारे लिए। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी रुकिए तो सही। हमें पता है कि आप बहुत परेशान रहते हो और ताऊ ताई भी आपको बहुत परेशान करते हैं, पर हम तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि कौशल भैया भी आपसे खफा खफा रहते हैं। आप चाहे तो आप हमारे साथ अपने दर्द शेयर कर सकती हो, समझ रहे हो ना भाभी? भाभी हम आपसे वादा करते हैं आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। राहुल मजाक की भी हद होती है। अरे, अरे भाभी जी रुकिए तो सही। भाभी भूख लग रही है, कुछ खाना दे दो। पास में वेट करो, मैं खाना लगाती हूँ। वो ताऊ ताई कहीं नजर नहीं आ रहे? वो दोनों बाहर गए, आते ही होंगे। देखिए आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरा ना दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। करवा देंगे ऑपरेशन, अब दवा ले रही हो ना? राहुल ये क्या बदतमीजी है? जब से आपको देखा है ना हम पागल हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पूरा हमें शर्म नहीं आती तुम्हें? हम कौशल से तुम्हारी शिकायत करेंगे, छोड़ो हमें। अरे कौशल भैया से क्या शिकायत करोगे, वो तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं करते हैं। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो महाराज छोड़ो। हमेशा ये कंजूसी करते रहिएगा। अरे करवा देंगे ऑपरेशन, ठीक है जाओ पानी भेजो हमारे लिए जरा। तो सुनिए राहुल छोड़ो हमें, छोड़ो हमारा मजाक की भी हद होती है। राहुल नेहा क्या बात है भाई, देवर भाभी में बड़ी मस्ती मजाक चल रही है। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ नेहा, ये बचपन में इतना सीधा और इतना शर्मीला था, ये किसी से कोई बात ही नहीं करता था, और आज देखा भाभी से बड़ी मजाक चल रही है। वो ताई जी मैं भाभी से खाना मांग रहा था तो। अच्छी बात है नेहा, इसे भूख लगी है, खाना क्यों नहीं दे रही हो? बस माँ जी पास में दे रही हूँ। ठीक तो खाना लगा, ये ले
आजा बेटा। कौशल, कौशल हमें कुछ बात करनी है, उठो। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। ऐसे नहीं, उठकर बात करो, उठो। अरे नींद आ रही है, कल बात करते हैं ना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। क्यों दिमाग खराब कर रही, सोने दो ना। ऐसी कौन सी बात है जो सुबह नहीं हो सकती है? वो राहुल है ना, वो बहुत बदतमीज है। मतलब हमें छेड़ता है, जब देखो तब हमारे करीब आने की कोशिश करता है। आज तो उसने हद कर दी। तो तुम ये कहने के लिए मुझे उठाई हो? नेहा, वो तुम्हारा देवर है, अगर थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेता है तो इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? पर आप समझने, नेहा वो बचपन से ही ऐसा है, आदत है उसकी, खुश मिजाज है वो, लेकिन नीयत गंदी नहीं है उसकी, समझी? अब तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो और सो जाओ चुपचाप। अच्छा ठीक है, नहीं डालते दिमाग पर जोर। एक बात बताए, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है ना, प्यार करते हैं ना? नेहा आज मन नहीं है, थक गया हूँ मैं, नींद आ रही है। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा और थक जाना आप। अरे बोला ना आज मूड नहीं है, सोने दो मुझे, कल बात करते हैं। भैया वो 1000 रुपए चाहिए थे, वो ताऊ जी से मांग रहा था, आपको तो पता ही है, 4 बातें सुना दी। हाँ वो मुझे पता है उनका, एक मिनट, पर्स का। नेहा वो पर्स में से निकाल के 1000 रुपए राहुल को दे दो। आज का तो दिन ही बन गया। ठीक है भैया, चलता हूँ। देखा आपने उसने क्या किया? क्या देखा? हाँ? बताओ। उसने लेकिन कल तो बात हो गई थी ना उनसे, तो फिर क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो? ठीक है कोई नहीं, हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं क्या करना है। ओके बाय। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि यार देखो, तुम फिर से ना राहुल का अभी शुरू मत करो, वैसे भी वो 2-3 दिन में जा रहा है ना, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं जी, मैं वो नहीं कह रही थी, वो क्या है कि मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा उनसे मिल लूं। आप कल मुझे छोड़ देंगे, मतलब कल संडे है तो आप फ्री होंगे? अरे संडे है तो क्या हो गया, ये सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इन पापा को फोन करो और बुलवा के ले जाओ। पर कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ बस। क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा उदास उदास सा रहता है। वो नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। अरे बेटा टेंशन मत लो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। ताऊजी, ताऊजी, मुझे जॉब मिल गई। क्या बात कर रहा है, अरे बहुत खुशी की बात है। तो बस भैया का आशीर्वाद था। लो मिठाई खाई। हाँ अरे मिठाई बाद में खा लेंगे। ताई जी भाभी का है? अब भाभी तेरी अंदर है, चलो मैं मिल के आता हूँ। हाँ जी ठीक, नौकरी मिल गई, अच्छा हो गया।
क्या बात है, आज आप बड़े मूड में। जी भाभी। तू समझ कर रखा है तुमने? देवर समझ के कुछ बोलती नहीं क्या, सर पे चढ़ता जाएगा। अरे भाभी गलती से हो गया वो। अरे दूर रहना मुझसे, समझा? निकल यहाँ, निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल। अरे भाभी जी आप गलत समझ रहे हैं। गलत निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है नेहा? बदतमीजी, बदतमीजी। और ये जो करता है वो तो आप लोगों को कभी नजर नहीं आता। क्या किया मेरे भतीजे ने? हाँ कैसी बदतमीजी, मेरे भतीजे को नौकरी मिली इस खुशी में मिठाई खिलाने आया था तुझे, उसमें क्या गलत किया उसे? हाँ बोल क्या गलत किया। इसी से पूछिए किसने क्या किया है। तू चुप कर, सब पता है मुझे कौन कैसा है। एक तो खुद डोरे डालती हो मेरे भतीजे पर और इल्जाम उसी पर लगाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ सही कह रहे अम्मा जी, मैं ही पनौती हूँ, मैं ही बचा नहीं जन सकती और अब तो मैं कैरेक्टरलेस भी हो गई, सारी कमियां ना मेरे अंदर ही है। हटो। अरे हद करती है तो, कैसी बदतमीजी की, देखी ना तूने? मैं देखता हूँ। क्या कर रही हो तुम? पापा को कॉल कर रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, लाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? पहले ये बताओ बात क्या हुई? तुम्हें बताने से कोई फायदा है? तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या? लेकिन उस राहुल, उसने तो आज सारी हदें पार कर दी है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। एक मिनट तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बात करता हूँ और आज के बाद वो तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, समझे ना? और वैसे भी वो यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाला है। पर कौशल उसने मुझे छेड़ने की। अब शांत हो जाओ, हंगामा करने क्या फायदा है, आसपास लोग सुनेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। और रही बात तुम्हारे मायके जाने की, तो मैं कल तुम्हें खुद छोड़ करके आऊंगा, अब शांत हो जाओ ठीक है, मैं बात करके आता हूँ राहुल से। नेहा ये दूध पी लो। अभी मन नहीं है। देखो मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो पी लो। वहां रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं अभी तुरंत पियो, हमें वॉशरूम जाना है, आकर पी लेंगे, यहाँ रख दो। मैंने कहा था ना तुम्हें इसकी नियत खराब है, मैं सो रही थी, ये जबरदस्ती मुझ पर
फूल, साला तुझे एक काम दिया था वो भी तू ढंग से कर नहीं पाया। किसे काम कर रही है तू? अच्छा, अगर इसको दूध पिला दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। मुझे ताना मारने से पहले ना पहले खुद को देख लो, फिर मुझे बोलना। कौशल, क्या बोल रहे? क्या हो रहा है ये? ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये ऐसे ही है। सच तो ये है कि ये कभी बाप नहीं बन सकते, इसीलिए तो मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम्हारे साथ सोकर मैं इन्हें बच्चा दे सकूं और ये अपने नाम मर्द होने का कलंक इस समाज से मिटा सके। चुप हो जा, बहुत बोल दिया तू। तेरे पे भरोसा करके मैंने गलती की, समझा? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। राहुल, राहुल सुन तो, अरे सुन, हेलो, हेलो पापा। अरे भैया मुझसे होगा ही नहीं। अरे क्या हुआ, क्या सुन तो, काम हुआ कि नहीं? अरे ताई जी, भाभी जग गई, इन्होंने दूध ही नहीं पिलाया। ये काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अरे माँ, मैंने उसको दूध दिया था लेकिन वो पी ही नहीं, तो मैं क्या करूँ इसमें? चुप कर, अपने हाथों से पिलाना चाहिए था ना तुझे। क्या करेंगे ताई जी, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, इधर तू कहीं नहीं जाएगा। ताऊ जी, जब भाभी मान ही नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उसके मानने नहीं मानने से क्या होता है? और कौशल देख, तेरे लिए आखिरी मौका है, अगर तू ये मौका चूक गया ना तो पूरी दुनिया तुझे नामर्द कहेगी, समझा? तो कैसे भी कर लेकर जा उसको अंदर और ये काम पूरा कर, जा चल जा। नेहा, तुम्हें राहुल के साथ सोना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या कौशल, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने होश में हो? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, चलो शुरू हो जा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हटो मुझे, बकवास जाने, छोड़ो मुझे। चुपचाप कोऑपरेट कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? कौशल मैं ऐसा नहीं करूंगी, छोड़ो मुझे, पापा के पास जाना है। चल शुरू जा राहुल। एक और आ गया, अजीत भाई साहब आप साथ, मेरी बेटी अंदर है। नेहा, बेटी नेहा, बेटी नेहा पापा अंदर है, यहीं पर है। कोई नहीं है, आवाज आ यहीं पर है। दरवाजा खोलो नेहा, बेटे दरवाजा खोल बेटा। हाँ बेटा, नेहा ये दोनों साहब आ गए। लेके चलो दोनों को बाहर। सर गलती हो गई, सर देखिए मानता हूँ। सर क्या ड्रामा चल रहा था यहाँ पर? सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर खातिरदारी करूँ तेरी? बोल। सर मैं मजबूर था, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास, मैं क्या करता? मतलब कि मैं बाप नहीं बन सकता। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे लेकिन घर में बच्चे की एक उम्मीद तक नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नेहा में कोई कमी होगी तो चलते इसका चेकअप करवा देता हूँ। फिर सोचा कि अगर नेहा में कोई कमी नहीं निकली तो ये साफ हो जाता कि कमी मुझ में है, और मैं नेहा की नजरों में गिरना नहीं चाहता था सर, इसीलिए पहले मैंने अपना चेकअप करवाया और वही हुआ जिस बात का डर था। कमी मेरे अंदर थी, मैं बाप नहीं बन सकता था। फिर मेरे सामने एक ही उपाय आया और वो था IVF। उसके लिए मैंने बाबूजी से बात की लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, इसी में कमी है।
बाबूजी अब सिर्फ एक ही रास्ता है, IVF। IVF के जरिए नेहा माँ बन सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। अच्छा, कितना पैसा लगेगा उसमें? यही कुछ 2-3 लाख रुपए। अलग गया क्या? कहाँ से आएगा इतना पैसा? एक काम कर, इसके बारे में अभी नेहा के पापा से बात कर। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? नेहा के पापा को पता चलेगा कि मैं बाप नहीं बन सकता तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में वो? माँ आप समझाओ इन्हें। सही तो कह रहा है, पैसों का जुगाड़ तो हमें ही करना पड़ेगा। तुम तो चुपी रहो, कहाँ से आएगा पैसा? पेट लगता है क्या? जब देखो तुम लोग पैसों के पीछे ही पड़े रहते हो। तो आपके पास और कोई तरीका है तो बताइए। बस एक रास्ता है, पहले के लोग यही रास्ता अपनाते थे। कौन सा रास्ता? तो एक काम कर, राहुल से बात कर, उसको गांव से बुला ले, उससे मदद मांग। अब वही तेरी मदद कर सकता है। अरे अब राहुल इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है? तुम ना एकदम जड़बुद्धि ही रहोगे। देखो राहुल हमारे परिवार का हिस्सा है, तो उससे पैदा हुआ बच्चा हमारे खानदान का होगा। अब एक काम कर, तो गांव से बुला ले उसको और बात कर उससे। अरे ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? बैठ बैठ। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले के लोग यही तरीका अपनाते थे, नियोग कहते हैं इसको। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। चलो अगर मैं मान भी लेता हूं तो नेहा को कौन समझाएगा? अरे नेहा जवान है, अगर तू उससे दूरी बना लेगा तो कोई तो चाहिए होगा ना उसको अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए, तो ऐसे में उसे राहुल ही नजर आएगा और फिर कर लेंगे दोनों अपनी मर्जी से जो करना है। समझ रहा है ना? फिर बाबूजी के कहने पर मैंने राहुल को फोन करके बुला लिया और उसे सब कुछ समझा दिया। मौसल भैया मैं भाभी के साथ कैसे? देख राहुल यही एक रास्ता हमारे पास है, मजबूर हैं हम लोग और बाबूजी भी यही चाहते हैं, ऐसे में कम से कम बच्चे के अंदर अपने खानदान का खून तो रहेगा, तो समझ रहा है ना? तो भाभी राजी है क्या? वही तो नहीं राजी, बस यहीं पर तुझे अपना हुनर दिखाना है। मतलब? मतलब कि तू जवान है, हैंडसम है, नेहा पे डोरी डालना शुरू कर दे। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं बाप नहीं बन सकता, नहीं तो मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। प्लीज। फिर राहुल ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन नेहा थी जो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मुझे उसे फोर्स करना पड़ा। अरे पागल, खुश नसीब है तू जैसी बीवी मिली तुझे, और इतना एजुकेटेड होने के बाद भी तू ये सब करने के लिए तैयार कैसे हो गया? थू है तुझ पर। और आप दोनों ये तो जानते हैं ना कि मरने के बाद में पैसा साथ में नहीं जाता। अब जेल में बैठकर गिनते रहिएगा पैसों को भी और अपनी सजा को। ले चलो सबको। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और अजीत जी, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अगर आपने नेहा की बातों को सीरियसली लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे समझ नहीं आता है कि शादी के बाद में माँ बाप अपनी बेटियों को सीरियसली क्यों नहीं लेते। याद रखिए, शादी के बाद में बेटियां दूर होती हैं, पराई नहीं हो जाती। साहब मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा अपनी बेटी। जरूर। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा।